बर्बाद यार गूगल मैप सही में यार, इसको मत फॉलो करो, पहले रास्ते का रिसर्च करो भैया और तब आया करो। दोस्तों रात रुके थे हम आनंद रिजॉर्ट करके है, ये कुल्लू से थोड़ा सा आगे पड़ता है। फिलहाल मैं उठ चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जैसा आपको पता है मैं कुछ इस जगह पे सोया था, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके, और ये पूरा रिजॉर्ट जो है वो इन्हीं का है सारा। अपना ऐसे ही बेड बना था और आराम से तसल्ली से सो गए थे। लेकिन सुबह मुझे कुछ हलचल पैदा हुई गाड़ी के अंदर, तो मैं सोचा आपको दिखा दूं, क्योंकि एक अजीब सी वार्निंग लाइट जो है गाड़ी के अंदर आ गई। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होती है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए अगर आपको भी गाड़ी। आप देखेंगे यहाँ पर एक नई बत्ती आ चुकी है और गाड़ी सायरन दे रही है अंदर ही, छोटी, देख रहे हैं। इसका मतलब बताता हूँ क्या है भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी रात को किसी ने छेड़ी तो उस वक्त इस तरह का जो वार्निंग साइन आ जाता है। खुलती तो नहीं है क्योंकि अब काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया कर दी है हर एक कंपनी ने, तो खुलती तो नहीं है। जिसको खोलना होता है खोल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ खुली नहीं है। लेकिन ये है कि छेड़ाछेड़ी जरूर हुई है गाड़ी के साथ में। तो अब इसको ठीक कैसे करना वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आज का मेरा लक्ष्य है कि मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे दिल्ली में एक ही दिन के अंदर पहुँचना है। यहाँ से करीबन 45 के आसपास, मतलब करीबन 70-80 के आसपास सुंदर नगर होगा। और सुंदर नगर से तो मैं कई बार एक दिन में अप एंड डाउन, मतलब कई बार कर चुका हूँ, अपने दोस्त के साथ भी जा चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलते हैं जल्दी से घर की तरफ। गाड़ी बाहर निकाल ली है, पर ये गेट बंद करना पड़ेगा भाई। जिस भाई ने भी हम लोगों को दिया है रूम, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए ना अगर हम गेट गाड़ी निकाल रहे हैं तो। तो यहाँ खड़ा किया, चलो होटल आनंद रिसोर्ट ब्रेकफास्ट लंच डिनर। भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे, नेक्स्ट टाइम का 100% है कि मैं यहाँ के रुकूंगा। वैसे भी कुल्लू से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ का वेदर भी बड़ा अच्छा है। मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा आपको बर्फ़ वगैरह यहाँ दिख जाएगी और बहुत बढ़िया ठंडा है। -2 जो है इस वक्त यहाँ का चल रहा है। फिलहाल भाई 12 घंटे 2 मिनट लग रहे हैं, 548 किलोमीटर एक दिन का ट्रैवल हमारा। चलो लेट्स स्टार्ट। बोलो बजरंग बली की जय। गाड़ी रोक दी भाई, थोड़े से चाय पानी पी ली जाए, क्योंकि मैं सुंदर नगर क्रॉस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। और अब बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि यार लगातार चलते चलते थोड़ा सा चाय पानी की जरूरत पड़ ही जाती है। तो बस यहाँ से निकलने का टारगेट है, क्योंकि किया 9:10 का, रात को दिखा रहा है कि 9:10 पर पहुँचूंगा और कल ऑफिस भी जाना है। तो भाई जल्दी से नॉन स्टॉप निकलना ही पड़ेगा मुझे। फिलहाल गाड़ी परफेक्ट, मज़ेदार, सुपर सही में यार। ये गूगल मैप ना कभी कभी मरवा देता है, पता नहीं कौन सा रास्ता लेके आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं इस रास्ते पे आया नहीं था पिछली बार, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इस रास्ते पे। कमाल है यार भाई, ये फंस ही जाते हैं सही में इन रास्तों पे आके ना। और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहा है भाई चौधरी साहब, मान जाओ, रुक जाओ। अरे कमाल है भैया, अच्छा खासा 9:05 पे पहुंचा था रात को, अब 9:51 दिखा रहा है सिस्टम में भी। और इतना पतला रास्ता है, इतना पतला रास्ता है भैया, क्या कहूँ। बस ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ चला दिया, वो इतना छोटा रास्ता था जब पहली बार आया था। तो ये मरवा दिया यार गूगल मैप सही में यार, इसको मत फॉलो करो, पहले रास्ते का रिसर्च करो भैया और तब आया करो, इसके चक्कर में मत पड़ा करो यार। भाई अभी बचा हुआ है 6:40 का रास्ता और 340 किलोमीटर मुझे चलना है। मतलब वो जो रास्ता था वो तो बहुत ही पैथेटिक था, मैं परेशान हो गया था उससे यार। और उसने तो कम से कम मेरा और 1.5-2 घंटा खराब ज़्यादा किया है, मतलब जितना लगना चाहिए था उससे ज़्यादा खराब किया है। फिलहाल CNG हो चुकी है ख़त्म, गाड़ी आ चुकी है पेट्रोल पे, अब जो भी CNG पंप आएगा वहाँ से अपना CNG भरवा लेंगे। फिलहाल हम हैं चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ से अराउंड 40 किलोमीटर आगे हूँ। और चंडीगढ़ पहुँचने के बाद तो ऐसा लगता है कि आप दिल्ली पहुँच ही जाओगे, करीबन 250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो कवर अप हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों अभी भी 2:47 दूर हूँ मैं अपने घर से, 126 किलोमीटर जो है वो टोटल बचा हुआ है। फिलहाल रात हो चुकी है, बीच में कुछ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लगातार चल रहा हूँ, 11-12 घंटे का ट्रेवल था। तो कोशिश करी मैंने कि भाई जितना भी कवर कर सका उतना किया, अदरवाइज ज़्यादा ट्रेवल पर फोकस रहा मेरा। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम व्लॉग डाल रहा हूँ मैं इस चैनल पे। मुझे पता है कि शायद आपके लिए ज़्यादा यूजफुल ना हो, लेकिन फिर भी मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट प्लीज़ जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करें अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।